Very good morning, students, and once again I welcome you all here on online classes. This is your MS subject and the lesson number 1 is given here, be grateful to God. ठीक है, क्या है? Be grateful to God. हमने ये lesson discuss कर लिया है and today we are going to do the question answer of this lesson. Okay, so I have written the question answer here on blackboard. You can see it very clearly. Lesson 1, be grateful to God. Okay, so first question I have written here, who has created this wonderful world? ठीक है, so the answer is God has created this wonderful world. किसने इस वर्ल्ड को, संसार को क्रिएट किया? भगवान ने, गॉड ने. गॉड हैज क्रिएटेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड. ओके, क्वेश्चन सेकेंड इज गिवन हियर, हाउ वी आर एबल टू एंजॉय दीज वंडरफुल थिंग्स. भगवान ने जिन जिन चीजों को बनाया, आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी ये लेसन, तो उसमें पता चला ना कौन कौन सी चीजें भगवान ने बनाई है, तो हम उन चीजों को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे कर पाते हैं? सो द आंसर इज गॉड हैज गिफ्टेड अस विथ life, body, soul and different sense organs. So because we have life, body, soul and sense organs, so we are able to enjoy these wonderful things. ठीक है, समझ में आई बात? Question third, where should we pray to God? हम भगवान की पूजा कहाँ कर सकते हैं? हम भगवान की पूजा कहाँ करते हैं? भगवान तो वैसे हर जगह रहते हैं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट उनके लिए एक प्रार्थना करने के लिए हम लोगों ने एक स्थान बनाया है, लाइक टेम्पल, चर्च, ओके, मॉस्क्यूज. हाँ, तो इन जगहों पे हम भगवान की के प्रतिमा को हम लोग लगाते हैं और वहां पूजा करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. सो द गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. God is present everywhere. We can pray to God anywhere. क्योंकि भगवान हर जगह है, तो हम भगवान की पूजा कहीं भी कर सकते हैं. However, the place should be neat and clean. लेकिन जिस स्थान पे खड़े होके हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो जगह क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए. भगवान तो हर जगह मौजूद हैं. अगर आप मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में जाके भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है. हम अगर घर पे ही रह गए और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको प्रेयर करते हैं, तो वी कैन कनेक्ट, हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं. हमारी बात भगवान तक पहुंच सकती है, बिकॉज ही इज ऑल माइटी. वो सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली है. सो वी कैन, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो इसीलिए भगवान हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं. बस हमें जहां भी हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वो जगह थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए. ठीक है ना, समझ में आई बात? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज क्रिएटेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड. So the God has created this wonderful world. So one thing I want to mention here, student, that when you will write God, that should be in a capital. हमेशा God का जो G हो वो capital हो. मैंने last year भी देखा था, बहुत से बच्चों ने उसे small, कभी भी अगर हम God के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा capital letter में होना चाहिए. समझ में आई बात? So God has created this wonderful world. How we are able to enjoy these wonderful things? Because God has gifted us with life, body, soul and sense organs. So we are able to enjoy these wonderful things created by God. Question third, where should we pray to God? God is present everywhere. We can pray to God anywhere. However, the place should be neat and clean. ठीक है ना? Just write the question number 4. So the fourth question is here, how powerful is God? भगवान कितने शक्तिशाली हैं? So the answer is God is most powerful. वो सबसे ताकतवर है. He is omnipotent. ठीक है, वो सर्व शक्तिशाली हैं. Question 5th,
डज गॉड नो अस, क्या भगवान हमें जानते हैं? आपके मन में ये सारी बातें आती होंगी ना कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और क्या भगवान सभी लोगों को जानते हैं, क्या हमें जानते हैं? सो द आंसर इज गॉड नोज एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। भगवान सब कुछ जानते हैं और सभी को जानते हैं। ही इज ओमनीसेंस्ड, ठीक है ना? तो हाउ पावरफुल इज गॉड? गॉड इज मोस्ट पावरफुल एंड ही इज ओमनीपोटेंट। Does God know us? God knows everything and everybody. He is omniscient. Okay, na? Now come and see the exercise given here in your book. When you will open your book, you will find exercise A, B, and C. A exercise is given here. Complete the following sentences. Okay, the first one you can see here. The beautiful world where we live dash, okay? So you will write, is a creation of God. The beautiful world where we live is a creation of God, okay? Second one is here, we are able to enjoy these wonderful things because God has gifted us with life, body, soul and different sense organs, okay? Third one, you should always remain what? You should always remain grateful to God. ठीक है ना? हमें हमेशा भगवान के लिए क्या होना चाहिए? Grateful होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है, हमें उन चीजों को दिया जिनसे हम उनके द्वारा बनाए गए इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस क्रिएशन को हम समझ सकते हैं। So we should always remain grateful to God. First one is a creation of God. Second, life, body, soul and different sense organs. And third one is grateful to God. Then here is match the columns. First one is given here. God is present everywhere. Bhagwan sab jagah present hai, upasthit hai. Toh kya hoga? He is omnipresent. Woh sab jagah maujood rehte hain. Theek hai? Second one is that God is the most powerful. सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तो क्या होगा? ओमनीपोटेंट, ठीक है ना? सर्वशक्तिशाली है। एंड गॉड इज ऑल नोइंग, वो सर्वज्ञाता है। सो दिस इज ओमनीसेंस्ड, ओके ना? लाइक दैट यू विल नॉट मैच दिस बाय एरोस। मैंने पहले ही बताया कि एरोस से आपको नहीं मैच करना है, यू जस्ट राइट द नंबर हियर। एंड दिस इज द होमवर्क एक्सरसाइज सी। Write two sentences about God. You can write this answer by yourself. You have to write just two sentences about God. भगवान के बारे में आपको दो sentences लिखने हैं, या तो आप उसे खुद से भी लिख सकते हैं। And if you are having difficulty to write by yourself, then first you read this book. Everything is given here. ठीक है? उसके बाद आप इस बुक को पढ़ने के बाद इसकी हेल्प से आप वो टू सेंटेंसेस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? ओके ना? सो दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक? एंड व्हेन यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर, यू फर्स्ट टेल मी दैट यू ऑल ऑफ यू हैविंग एमएस कॉपी ना? अगर एमएस कॉपी नहीं है तो एक एमएस कॉपी बनाइए आप, एंड जस्ट राइट द डेट, then lesson number and lesson name and write in a very good and neat handwriting, theek hai na? I will also attach the this picture of this question answer in the on the campus care. So sabhi log bahut hi neat and clean handwriting mein isse proper way mein likhenge, okay?